जब तक कद्दू पक जाता है तब तक हम मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी ताकि हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर एंजॉयिंग ऑल माय वीडियोस। थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, एंड जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ अभी जाके कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू का भरता। आपने बैंगन का भरता तो सुना होगा, आलू का भरता भी काफ़ी लोग बनाते हैं, लेकिन आज मैं ट्राई कर रही हूँ कद्दू का भरता। बनाना बहुत ही सिंपल और इजी है, सब खाने के लिए वेट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज रेडी, जस्ट कद्दू का भरता बनाना बाकी है। चलिए फिर फटाफट बना लेते हैं। So let's start with peeling it first. चलिए पील करके हो गया है, इसे अभी कर लेते हैं कट इंटू स्मॉल पीसेस। इसे कट करके हम वॉश कर लेंगे। चलिए इसे वॉश कर लेते हैं। तो हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और हम कद्दू को इसमें पहले अच्छी तरह से पका लेंगे। जब तक कद्दू पक जाता है तब तक हम हमारे दूसरे प्रिपरेशन की तैयारी कर लेते हैं, बिकॉज कद्दू को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमें अनियन एकदम पतले स्लाइस्ड चाहिए, तो अनियंस को हम पतला स्लाइस करके ले लेंगे। कद्दू कुछ इस तरीके से पक चुके हैं, बट इसे हमें और थोड़ा पकाना है, तो इसे छोड़ देते हैं और तब तक हम कर लेते हैं हमारा अनियंस फ्राई। हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है, तो तब तक इसे हम सेक लेंगे। मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो अनियंस काफी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं बोल में। ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो गए हैं, सो वी वांटेड ब्राउन अनियंस। उसी के साथ में ये पम्पकिन्स भी हम ऐड कर लेंगे। इसी पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेते हैं। हम थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे बिकॉज ये ऑयल हमें ऐड करना है टू आर भरता। सो सबसे पहले मैं डालूंगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता एंड गार्लिक्स। अच्छी तरह से भून लेंगे। अब ये गार्लिक भी हल्के से ब्राउन हो गए, इसे भी हम निकाल लेंगे into the bowl. Now we'll add, ये मैंने दो मसाले वाले मिर्ची लिए हैं जो स्टफ्ड होते हैं, एंड ये दो नॉर्मल हमारे रेड चिलीज, इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे एंड विल एड इट टू अ पैन। इसे करते वक्त धुआं होगा और ये बहुत जल्दी भी हो जाएगा। सो ये भी हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। So, इसे हमने निकाल लिया है। अब जब ये चिलीज ठंडे हो जाएंगे, इसे हम हाथ से क्रश करके हमारे बोल में ऐड कर लेंगे। सो लेट इट कूल डाउन। सो इसे हमने कर लिया है क्रश। नाउ लेट्स ऐड इट टू द बोल। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल। हमने इसमें ऑलरेडी
सॉल्ट, चिलीज़ में सॉल्ट होते हैं तो हम बहुत ही कम सॉल्ट ऐड करेंगे एंड वेरी लिटिल शुगर. अभी इसे भी हम कर लेते हैं हाथ से कंप्लीटली क्रश. Enjoy it with hot steaming rice and ghee. ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.